फर्स्ट ऑफ़ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ़ यू क्योंकि इंस्टा पर फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा फॉलोअर्स हुए हैं और यूट्यूब पर भी हम रील्स अपलोड कर रहे हैं दोस्तों रील्स जो है वो रील्स एक्टिंग नहीं है उसमें क्या एक्टिंग लायक कुछ है नहीं नॉर्मल लाइन्स बोलनी होती है लेकिन एक्टर के लिए वो बेस्ट एक्सरसाइज ज़रूर है यस yes. मानते हो तुम yes, दीक्षा yes, मुकेश तो ऐसा है कि जिसने मेरे साथ बहुत सारे रील्स बनाई है और बहुत सारे रील्स वायरल भी हुई है तो इसीलिए रील्स को हमें हल्के में लेना नहीं नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो एक्टर्स है वो आज इन्फ्लुएंसर्स भी है और इन्फ्लुएंसर्स होने की वजह से वो लोग पैसा भी बहुत कमाते हैं अभी एक एक रील के लाखों रुपए चार्ज करते हैं अब मेरा एक्टिंग क्लास है मैं एक्टिंग कोच के लेवल पे यहाँ पर बिजी हूँ काम कर रहा हूँ ये ऐसा है कि जब मैं फ्री हूँ तब मैं बना रहा हूँ बट जो आप एक्टर हो जैसे नेट शैक में आने वाले एक्टर या मेरे सब्सक्राइबर मैं आप सबको बोलूंगा कि रील्स बनाओ जरूर बनाओ हफ्ते में एक दो रील जरूर बनाओ आपका नुकसान कुछ नहीं होगा फ़ायदा डेफिनेटली होगा लेकिन अगर एक्टर बनना है प्रोफेशनल एक्टर बनना है वेब सीरीज सीरियल फिल्म ये सारा प्रोफेशनल काम करना है तो एक्टिंग का क्राफ्ट सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए लेट्सैक्ट में आके कोर्स करो या कहीं पर भी कोर्स करो जो सही लगता है वहाँ पर सीखो प्रॉपर सीखो ऑनलाइन सीखो ऑफलाइन सीखो सीखना बंद मत करो ओके